चलो टार्जन अपनी शक्ति से प्रिया के पास पहुंचा दे। टार्जन यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और गर्मा गर्म गेम प्ले वीडियो में। अरे वैसा कर लो, आ गया तू, क्या हाल चाल है तेरे? अरे भाई मेरे हाल तो एक नंबर है, तू बता तेरे को रात को अच्छे से नींद आई? अरे वैसा कर लो, रात को तो ऐसी नींद आई कि तेरे को मैं बता नहीं सकता। क्यों बुरिया? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सा। कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की, मुझे सब समझ आ रहा है। अरे यार चुप, पता नहीं मुझे कब तेरे जैसा मजा आएगा। मजा आया? ओ चिंचन के बच्चे, अब तू दोबारा मशहूर हो जाइयो। अरे वैसा कल तू एक बात बता, तू कब करेगा शादी? अरे भाई मेरा अभी कोई इरादा नहीं है शादी वादी करने का। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो फ्रैंकल भैया, अगर आपका मूड नहीं है शादी करने का तो मेरी कर दो। अबे साले तू फिर बोला? अच्छा सॉरी। अरे प्रिया तुझे पता है क्यों मना कर रहा है शादी के लिए? क्योंकि उसको पता है कि मैं काला हूँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। अच्छा ये बात है? अरे हाँ प्रिया, मुझे तो यार कलवे के लिए बुरा लगता है। अरे चुप यार, अब कर भी क्या सकती है? अरे यार प्रिया तू करवा दे कोई रिश्ता, तेरे कोई नजर में आता। अरे चुप, मेरी कोई नजर में नहीं है लड़की, पर मेरे बहन की नजर में जरूर होगी। ठीक है। अरे अरे जीजी, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊं? अरे प्रिया मैं कोई मना करूंगा तेरे को अपनी बहन से मिलने के लिए? नहीं जीजी। तो फिर जा मिला अपनी बहन से। ठीक है। अरे यार गाइस, मैं ना आज ही जीजी का रिश्ता करवा दूंगी। मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं से जीजी का रिश्ता करवा देगी। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। अरे प्रिया मैंने सुना है कि तूने उस जॉब से शादी कर ली है। हाँ, तूने सही सुना, मैंने जॉब से शादी कर ली है। पर क्यों? क्यों क्यों का क्या मतलब? मैं जॉब से प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उससे शादी करी है। अरे यार प्रिया मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ नहीं हो सकता इसकी, मैं सिर्फ अब जॉब की हूँ। नहीं तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, चल मेरे साथ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहीं घुमाने फिराने ले चलो। अरे यार सिंचन प्रिया को तो आ जाने दे, फिर साथ चलेंगे। अरे वासा कल में वो एक डेढ़ घंटे से पहले ना आने वाली। अच्छा तुझे कैसे पता? अरे वासा कल में मुझे सब कुछ पता है, तू उसकी टेंशन ना ले, बस हमें तू घुमाने ले चल। ठीक है चलो फिर। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे ना आप छोले भटूरे खिलाना बाहर। अरे हाँ जो मर्जी खा ले। अरे दीदी जी आप कैसे हो? अरे अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और ये प्रिया नहीं है आपके साथ? मतलब प्रिया के साथ नहीं है? नहीं वो तो कह रही थी मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। तो फिर आपने जाने दिया? और क्या पागल है क्या भोसड़ी के? अरे यार आप पागल तो नहीं हो, आपने मेरी बहन को अकेले के जाने दिया। अरे अदिति जी वो गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या सॉरी, इतनी बड़ी गलती करके सॉरी मांगते हो, शर्म नहीं आती? मुझे ये बता मुझे मेरी बहन चाहिए वरना मैं तुम तीनों में पुलिस केस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं अदिति जी ऐसा मत करना, मैं आपकी बहन और इस घर की बहू को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। ठीक है।
अरे वासा कलवे, मुझे लगता है ये हस्की का काम है। अबे तुझे कैसे पता? अरे वासा कलवे, मुझे एक दिन प्रिया बता रही थी कि ये हस्की ना मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मुझसे शादी कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा ये बात है, चल फिर आजा प्रिया को बचाने चलते हैं। ठीक है चलो टार्जन, अपनी शक्ति से प्रिया के पास पहुंचा दे। अरे भैया यही है प्रिया जिसने किसी और कुत्ते से शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। अरे अरे इस कुतिया की इतनी हिम्मत, मेरे भाई को छोड़ दिया, मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे मैं इज्जत से कह रही हूँ मुझे छोड़ दो वरना मेरे जेठ आ गए वो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे आने दे उसको, हमसे डरते थोड़ी है। तुम सबकी इतनी हिम्मत, मेरे घर की लक्ष्मी को किडनैप करा, आज मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों नहीं बचेंगे। टार्जन अभी तेरी। अरे वासा कुलवे बोलता है प्रिया को कहाँ लेकर जा रहे हैं वो लोग। ओए ओए रुक जा, कहाँ लेकर जा रहे हैं प्रिया को? टार्जन ओए जल्दी ठीक हो जा, हमें प्रिया को बचाना होगा, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं उसको। अरे हस्की इस कुतिया को फटाफट ठिकाने लगा देते हैं। ठीक है भैया।
अरे प्रिया जल्दी दूर हो जा इस कार से। अरे प्रिया डार्लिंग तू ठीक तो है ना, तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे घर जाना है। हाँ चल।